शोमैन राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर का लंबी बीमारी के बाद 87 साल की उम्र में मुंबई में हुआ निधन। कृष्णा का रीवा से रहा है गहरा नाता। देखिए रीवा दर्शन की एक रिपोर्ट। हम आपको बता दें, प्रख्यात शोमैन राज कपूर का विवाह रीवा में हुआ था। उस जमाने में कृष्णा के पिता करतार नाथ रीवा में IG हुआ करते थे। आइए हम आपको इतिहास के झरोखों में ले चलते हैं और दिखाते हैं वह घर जहां पर करतार नाथ अपने बेटे प्रेमनाथ राजेंद्र नाथ कृष्णा के साथ रहते थे। इसी मकान में कृष्णा का विवाह राज कपूर के साथ हुआ था। हम आपको बता दें, विवाह की कुछ रस्में इस मकान में फेरे वेंकट भवन में और बारात ठहरने के लिए TRS कॉलेज उस जमाने के दरबार कॉलेज को चुना गया था। आइए हम आपको लेकर चलते हैं कृष्णा के बचपन के स्कूल में। जी हाँ, हम जिस स्कूल में खड़े हैं, इस स्कूल की स्थापना 1932 में हुई थी। मैं आपको बता दूं, कृष्णा राज कपूर कक्षा 9 और कक्षा 10 में इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। ये वही गैलरी है जहाँ पर वो उस जमाने में खेला करती थी। क्लासरूम आप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी जमाने में कृष्णा राज कपूर इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। हम बात कर रहे हैं 1932 में बने रीवा के SK स्कूल की। यहीं पर कृष्णा ने कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई की थी। इसी स्कूल से अभी हाल ही में उनकी TC भी भेजी गई है। यह अलग बात है, कृष्णा शादी के बाद रीवा नहीं आई। जिस जगह पर कृष्णा रहा करती थी, उस जगह को उन्हीं की याद में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बदल दिया गया। हम जिस जगह पर खड़े हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये वही जगह है जहां 12 मई 1946 को कृष्णा राज कपूर का विवाह प्रख्यात शोमैन राज कपूर के साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं, कृष्णा राज कपूर जिनका आज देहांत हुआ है, इसी जगह पर मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक खूबसूरत ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके पहले वो अपने इसी निवास पर रहा करती थी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद हसन। जिसके उद्घाटन में उनके परिवार के कई सदस्य रीवा आए थे। आइए दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। तथा कपूर परिवार और उनके संबंधियों की उपस्थिति में हुआ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के शुभारंभ के दौरान यह पहला मौका है जब बिंद की जमी पर एक साथ रुपहली दुनिया के इतने सितारों ने शिरकत की है, जिन्हें देखने के लिए शहरवासियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि राज कपूर का विवाह रीवा की कृष्णा से इसी जगह पर हुआ था, जिनकी यादों को जीवंत बनाए रखने के लिए इस ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। यह ऑडिटोरियम विंध्य क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देगा। इसमें हिंदी के साथ साथ बघेली और बुंदेली नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में अभिनेता रणधीर कपूर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए खुशी और दुख दोनों का है। आज के दिन ही मेरे पिता दुनिया से विदा हुए थे। रीवा के लोगों ने हमारे माता पिता के नाम पर ऑडिटोरियम बनाकर हमें सबसे बड़ी सौगात दी है। तो वहीं उद्घाटन के दौरान खनिज एवं उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा वालों ने आज साबित कर दिया कि वे रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते निभाते भी हैं। कई दिनों से चल रहे इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह की तैयारियों ने शनिवार शाम 1 अक्टूबर 2018 को लंबी बीमारी के बाद 87 साल की उम्र में कृष्णा राज कपूर का मुंबई में निधन हो गया। रीवा दर्शन तमाम रीवा वासियों की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता है कपूर परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। कृष्णा के स्कूल में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और वो इसी विद्यालय में